नमस्कार दोस्तों, आपका गुरुंदे में स्वागत है। आज हम कढ़ाई पनीर होम स्टाइल बना रहे हैं। इसमें हमने एक चम्मच बटर और एक चम्मच देसी घी लिया है। जब हमारा बटर मेल्ट हो गया तो हमने एक मीडियम प्याज या एक बड़ा प्याज और तीन हरी मिर्चों को सोटी कर लिया है। उसके बाद हमने तीन टमाटर, यानी कि मैं प्याज से बस हमें डबल टमाटर डालने हैं। उसको भी टमाटर का जब तक छिलक उतर गया है उसे तब तक भूना है और फिर ठंडा होकर मिक्सी कर दिया है। हमने दोबारा से एक चम्मच घी और एक चम्मच बटर लिया है। जब हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे और दो साबुत लाल मिर्ची डालेंगे। फ्रेंड्स, ये जो रेसिपी है ये शैली जैन जी की है। और इसके बाद हमने डाला है कड़ी पत्ता, चक्री फूल, एक छोटी इलायची और थोड़ी सी दालचीनी और बड़ी इलायची। अब हम इसे मिक्सर को में टमाटर प्याज का मिक्सर डाला है और इसे हम थोड़ा सा घी छोड़ने तक अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, जब ये हमारा हमें मिक्सर को बहुत अच्छे से पकाना है, उसके बाद हमने आधा चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच से दो तिहाई चम्मच धनिया, नमक स्वाद अनुसार, एक चौथाई चम्मच हल्दी और एक फुल स्पून किचन किंग का मसाला डाला है। किचन किंग के मसाले से इसका कढ़ाई पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो अब हम इसमें अदरक के लच्छे डाल रहे हैं। फ्रेंड्स, आपने भी नोट किया होगा जब हम रेस्टोरेंट में कढ़ाई पनीर खाते हैं तो उसके अदरक के लच्छे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इसमें हमने आधा कटोरी पानी डाला है और हमने इन सब चीज़ों को पानी में मिला दिया है, यानी कि मिक्स कर लिया और दो तीन मिनट तक इसे खूब अच्छे से भूना है। उसके बाद हमने एक छोटी शिमला मिर्च, एक छोटी प्याज, एक छोटा टमाटर और पनीर को क्यूब 100 से 150 ग्राम पनीर को क्यूब स्टाइल में मोटा मोटा काट कर मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, तो आप देख ही सकते हैं इसका कलर कितना सुंदर आ रहा है। अब हम इसमें, अगर आपको पानी कम लगे तो आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हैं और इसे 5 से 7 मिनट ढककर पकाएंगे। इसके बाद आप गैस सिम कर देंगे और इसमें कस्तूरी मेथी क्रश करके आप डाल देंगे। इससे हमारा टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। और थोड़ी सी फ्रेश क्रीम, अमूल की क्रीम डालेंगे। यदि आपके पास अमूल की क्रीम नहीं है तो आप मलाई को भी फेंट कर डाल सकते हैं। इससे ये सब्ज़ी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बनेगी। थैंक यू।